आपको पता है कि अहमदाबाद का ताल्लुक नरेंद्र मोदी के साथ है। गुजरात, अहमदाबाद, पाकिस्तान, मोदी, ये चीजें किस तरह आपस में कनेक्ट है। आईसीसी ने अप्रूव किया हुआ है, जहां दुनिया की सिक्योरिटी के इदारों ने सिक्योरिटी अप्रूव की हुई है, वहां आप अपनी सिक्योरिटी भेज रहे हैं। मतलब ड्रामेबाजी और कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान से एक सिक्योरिटी की टीम जाएगी भारत, और जाके सिक्योरिटी का जायजा लेगी कि इंडिया में वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी कैसी है, कि पाकिस्तान टीम इंडिया में सिक्योर है कि नहीं। मतलब ये सुन के हंसी नहीं आती, जहां दुनिया वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, जहां आईपीएल होती है, वहां अब पाकिस्तान की टीम जाएगी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की टीम जाएगी, पीसीबी के लोग भी जाएंगे और जाके सिक्योरिटी का जायजा लेंगे। बेसिकली एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस है, एक फॉर्मेलिटी है, एक पॉलिटिकल कार्ड है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान गवर्नमेंट अब खेलेगी या खेलने जा रही है। इससे पहले 2016 में भी हमने देखा कि धर्मशाला में जो मैच शिफ्ट हो गया था कोलकाता, उस मैच से पहले भी पाकिस्तान से एक डेलीगेशन गया था जिसने धर्मशाला में जाके सिक्योरिटी का जायजा लिया और डिसअप्रूव कर दिया कि टीम यहां पे हमारी सिक्योर नहीं है, इस मैच को शिफ्ट किया जाए कोलकाता, और वो मैच शिफ्ट हो गया था। और मैं आपको बता रहा हूं कि आईसीसी ने ठीक है अनाउंस कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद में है, लेकिन ये मैच लास्ट मोमेंट पे अहमदाबाद से निकल के कहीं और जाना है। इससे पहले एक अपडेट आई थी, दो दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ये मैच बीसीसीआई ने बैकअप प्लान किया है कि चेन्नई में होगा। उससे पहले नाम आ रहा था कोलकाता का, कोलकाता का नाम इसलिए आ रहा था कि 2016 में धर्मशाला से ये मैच गया था कोलकाता, जहां पाकिस्तान इंडिया में इमरान खान भी गए थे, प्रॉपर यू नो मेला लगा था। सो ये अपडेट्स अब आपको रोज आनी है। ये पॉलिटिकल कार्ड जो इंडिया ने एशिया कप में शुरू किया था कि जी हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही, तब इंडिया खेल रहा था, अब पाकिस्तान खेलेगा, कल ये डोर इंडिया के हाथ में थी थोड़ा सा मजा लेने की, अब ये डोर पाकिस्तान के हाथ में है। क्रिकेट इंडिया में भी सिक्योर है और क्रिकेट पाकिस्तान में भी सिक्योर है, ये सिर्फ सियासी कार्ड है। मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान की टीम इंडिया के किसी शहर में हो और वहां पे कोई नेग्लिजेंस हो जाए। मतलब जब ऑब्वियसली पाकिस्तान की टीम इंडिया जाती है या इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है, जो सिक्योरिटी के लेवल होते हैं वो क्रेजी होते हैं। पाकिस्तान टीम को इंडिया में सर आंखों पे बिठाएगी सिक्योरिटी। और वैसे ही जब चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की टीम 2025 में पाकिस्तान आएगी, इंडियन टीम के आसपास कोई पार भी नहीं मार सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी है। यहां पे जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह की टीम्स आती हैं, वो ऐसे ही नहीं आती, वो प्रॉपर वर्किंग करके आती हैं। सो ये पॉलिटिकल कार्ड है और ये मैच लास्ट मोमेंट पे अहमदाबाद से निकलना ही निकलना है, जो कि नहीं निकलना चाहिए। मतलब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम इतने बड़े मैच की होस्टिंग नहीं कर पाएगा सिर्फ सियासत की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि अहमदाबाद का ताल्लुक नरेंद्र मोदी के साथ है और मोदी का जो पाकिस्तान के बारे में स्टांस है उस पर डिटेल में मैं तो बात नहीं करूंगा, मैं सियासी बातें नहीं करता, लेकिन आपको पता है कि गुजरात, अहमदाबाद, पाकिस्तान, मोदी, ये चीजें किस तरह आपस में कनेक्ट है और इसके ऊपर अब सियासत होनी है इंडिया पाकिस्तान की। आप अगर किसी क्रिकेटर से पूछे ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कहां होना चाहिए, ऑब्वियसली वो भी अहमदाबाद ही कहेंगे। बल्कि मैं कल वसीम अकरम का इंटरव्यू देख रहा था, वो भी यही कह रहे थे, यार चुप करके अनाउंस करो कि अहमदाबाद में मैच होना है, और अगर नहीं होना तो सीधी तरह अनाउंस करें कि यार नहीं होना। लेकिन अब ड्रामेबाजी होगी, अब पाकिस्तान सिक्योरिटी दफद वहां पे जाएगा, डेलीगेशन वहां जाएगा और वहां जाके जायजा लेगा सिक्योरिटी का। मतलब जहां दुनिया की हर टीम वर्ल्ड कप खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जहां सिंपल सी बात है, आपने खेलना अहमदाबाद में आप बताएं, आपने नहीं खेलना आप ना बताएं, लेकिन पिस्ता बीच में कौन है? क्रिकेट फैन। अब मुझे कोई जरूरत नहीं है यहां पे पाकिस्तान की साइड लेने की या इंडिया की साइड लेने की, बिकॉज एज ए क्रिकेट फैन हम सब चाहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा मैच होस्ट करे। लेकिन अब इस पे गंदी सियासत होनी है, क्योंकि ये गंदी सियासत इंडिया ने शुरू की थी इस दफा एशिया कप में अगेन, और अब उसको कंटिन्यू पाकिस्तान करेगा। सो खैर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की टीम अब इंडिया का टूर करेगी और जाके वहां की सिक्योरिटी का जायजा लेगी।